बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ओवर ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस कि मेरे पास किस किस्म के लोग आते थे पेशेंट्स आते थे यूजली पेरेंट्स लेकर आते थे टीन एजर्स या बच्चे अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए मियाँ बीवी सेल्डम आए हैं कि हम मियाँ बीवी की आपस में कोई अनबन है या कोई प्रॉब्लम है अच्छा मेन चीज़ जो है मैं वन बाई वन फ्यू पॉइंट्स एलेबरेट करती चली जाऊँगी मेन चीज़ ये है बेसुकुनी जो है अल्लाह से दूरी में है अब ये सुन के बहुत से लोग ये समझेंगे कि हम तो इतनी इबादत करते हैं हम इतने नवाफिल पढ़ते हैं हम उमरे करते हैं फिर भी हमारे घरों में बेसकूनी तो हम अल्लाह से दूर तो नहीं है अच्छा अल्लाह से दूरी हमारे अमलन क्या है जैसे अभी बात हो रही थी ना कि पहले इल्म है फिर नियत है फिर अमल है अमलन हम क्या करते हैं बेसुकूनी तब होती है जब इवन करपा रमत फरमाते थे बेटा बाबा हर बीमारी आफत मुसीबत बेसकूनी अल्लाह से दूरी में है डे टू डे जो हमारी लाइफ है उसमें किस तरह से ये चीज़ अप्लाई करती है सबसे पहली चीज़ है मटेरियलिज्म मादा प्रस्ती अब नबी दो जहाँ सु ने फरमाया था कि मुझे डर लगता है अपनी उम्मत से लंबी लंबी आरज़ुएं और अनगिनत उनकी ख्वाहत होंगी अब हमारी सोसाइटी में क्या है कि द मोर द मेरियर कि जितना ज़्यादा होगा उतने हम खुश होंगे हमें बचपन से ये सिखाया जाता है बच्चों को तोहफे तहयफ़ खिलौने लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें कि शायद क्या ऐसे बच्चे बहुत ग्रूम्ड होते हैं सुकून में होते हैं हरगिज़ नहीं मेरे पास ऐसी भी फैमिलीज आई हैं बेानतहा अमीर बहुत ज़्यादा अमीर लोग यहाँ तक के वाल साहब जो हैं तेरह साल के बच्चे को गोल्ड उसकी रोलेक्स की गोल्ड की घड़ी दे रहे कहते डॉक्टर साहब आई कैन अफोर्ड इट सो वाई नॉट तो उसकी माँ अपने एक उनके तीन बेटे हैं एक बेटे के लिए आई थी और एग्रेशन इतना ज़्यादा था उसने अपना ए लेवल वगैरह करना छोड़ दिया था और ये जो ट्रेंड है ये गेम्स का कंप्यूटर गेम्स एंड ही यूज़ टू प्ले ऑनलाइन और उससे वो पैसे कमाता था उसमें पाउंड्स वगैरह में लेकिन मसला ये कि वो इतना हाइपर था ये मिडिल चाइल्ड था बड़ी मुश्किल उसको घेर घूर के हम लाए थे इतना ज़्यादा था सारी रात वो इतना उसमें एग्रेशन था कि ज़ोर ज़ोर से कमरे में ऊपर नीचे धड़ल धड़ल और फिर गालियाँ ऊंची ऊंची नेबर्स भी डिस्टर्ब होते थे नीचे से भी डिस्टर्ब होते थे और उनका ये हाल था कि उसकी माँ ने कहा कि बाप से ले जाता है अपना ये आ, क्या कहते हैं वीज़ा कार्ड या दूसरा अरे डॉक्टर इरम हम गए तो उसने अस्सी हज़ार की शर्ट ली डेढ़ लाख का जूता लिया लाख रुपए की बेल्ट ली तो बच्चा कहता है तो सो वॉट माय फादर कैन अफोर्ड इट ओके गुड इनफ अफोर्ड कर सकते हो सुकून क्यों नहीं है इतनी लड़ाई और एक यहाँ तक एक दफ़ा पॉइंट आ गया था कि वो और बड़े भाई की इतनी की लड़ाई हुई कि दोनों ने पिस्टल्स एक दूसरे पे निकाल ली अब जोश में गुस्से में ऐसे हमने सुने हुए हैं कि इस गुस, शदीद गुस्से में आके मिया ने बीवी को मार दिया या इस तरह बंदूक चला दी फलाना हो गया अब उनसे अब वो कहे कि मैंने मैंने उसको घर से निकाल देना है ये है वो है मैंने कहा आप माँ हो तो अगर आप गिव अप कर दोगे तो इस सोसाइटी का क्या कसूर है कि आपने कैसी तरबियत की है कि मुंह से निकालने से पहले ही आपने उनको इतना कुछ कर दिया कि उनको कोई क़दर नहीं है और अगर उसको कहते ना तुम्हारे पैसे बंद कर देंगे कहते नो प्रॉब्लम आई कैन अर्न माई ओन मनी खैर शुक्र अल्लाह का अल्लाह की बड़ी रहमत थी उनको सुर रहमान दी उसकी माँ ने सुनी उसके बाप ने सुनी उसको भी घेर घार के लेकिन आफ्टर नंबर ऑफ़ फ्यू सेशन एकदम नहीं उसने सुनी उसके बाद पता चला जी उसने अपना ए लेवल कम्प्लीट किया फिर उसने फर्दर स्टडी की अब आई एम श्योर आजकल अपने बाप के साथ बिजनेस वगैरह में सो so, मटेरियलिज्म फिर हमारे यहाँ जैसे हमारी एक काकी सोनी आजकल आज कर रिश्ते करा रही है कहती है कि डिमांड क्या होती है जनरल है हमारी सोसाइटी में ऊंचे घर का लड़का होना चाहिए गाड़ी होनी चाहिए घर होना चाहिए लाख रुपए से अब तो लाख की भी कोई वैल्यू नहीं है इतनी ज़्यादा तनख्वाह होनी चाहिए नौकर चाकर होने चाहिए लड़के कहते हैं इंतहाई अमीर लड़की होनी चाहिए बहुत ज़्यादा जहेज होना चाहिए और उसके बाप को माँ बाप आते हैं कि हमारे बेटे को सेटल करके दे तो इस तरह की मटेरियलिज़म इतनी ज़्यादा है कि अच्छी अच्छी लड़कियाँ घरों में बैठी रह जाती हैं क्योंकि ना उनके पेरेंट्स जहेज दे सकते हैं ना अफोर्ड कर सकते हैं एंड द थिंग्स गो ऑन जो उसके बाद आ जाता है स्ट्रेसफुल होम एनवायरनमेंट ये तो बेसिक कॉज है हर मेंटल और फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर मेरे कम अज़ कम एरिया में हमेशा अब स्ट्रेसफुल होम एन्वायरमेंट क्या है पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े अच्छा जॉइंट फैमिली किसी वक्त में एक नमत हुआ करती थी उन वक्तों में जबकि हेड ऑफ़ द फैमिली फादर फिगर होता थे और सब डिसिप्लिन नीचे बेशुमार बेटे बहुएं सारा कुछ होता था बेटियां दामाद होते थे इस तरह झगड़े नहीं होते थे लेकिन अब तो ये है कि इवन एक सास सासर साथ हो या एक भाई और बहन कोई साथ हो एक अजाब होता है क्यों है बर्दाश्त ही नहीं है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट uh, नहीं है एक दूसरे को बिल्कुल नहीं करते शिकायतें इधर से उधर करनी और उसमें ये है कि मर्द बैलेंस नहीं करता जो कि मैं बार बार कहती हूँ कि जो मर्द होता है जो हामद है उसको बैलेंस करना चाहिए ना माँ की शिकायतें जाके बीवी पे चढ़ाई करे ना बीवी की चुटचु चुटचु सुन के जाके माँ के सामने खड़ा हो जाए या बाप के सामने इग्नोर करना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है सो so, इसमें फ़वाद भी बहुत हैं क्योंकि आजकल अफोर्ड नहीं कर सकते अगर इंडिपेंडेंट अगर हर बच्चे को आप इंडिपेंडेंट कर दो वन कैन नॉट अफोर्ड द द सॉर्ट ऑफ लाइफ यू वांट कंफर्ट वैसे भी महंगाई इतनी होगी कि इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन है चलिए उसके बाद आ जाता है, है तरबियत का फ़ुकदान बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी प्रॉपर तरबियत नहीं की जाती स्पेशली वो जैसे सैद ने मैंशन भी किया हुआ है दीन की इस्लाम की लाइट में हमारी अपब्रिंगिंग नहीं होती बिल्कुल भी लड़कियों को उनका रोल नहीं सिखाया गया अल्लाह की तरफ़ से ये रोल्स असाइन हैं कि मर्द जो है वो बाहर जाता है कमाता है और वो अपने बीवी बच्चों की केयर करता है औरत जो है वो घर में घर को संभालती है बच्चे पालती है उनकी ग्रूमिंग करती है और ये सारा कुछ करती है। लेकिन हमारे यहाँ औरत को घर गर घरस्थी जेवर नहीं समझा जाता उसको बेजती समझते हैं घर के काम करने 95 परसेंट यही होता है जी हमारी बेटी को नहीं कोई काम आता सो so, जब वो अगले घर जाती है चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो जो मर्जी हो उससे एक्सपेक्टेड होता है एक मर्द एक्सपेक्ट करता है कि ये अब मुझे रोटी भी देगी मुझे खाना भी देगी मैंने ऐसे देखे हैं कि बीवी भी काम करी है खामत भी काम कर रहा है लेकिन जब बीवी थकी टूटी सुबह से शाम को आएगी तो मियाँ हाथ पे हाथ रख के बैठा होगा कि ये आएगी तो मुझे चाय बना के देगी ये आएगी तो खाना पकाएगी कुछ होती हैं खातन जो कि बहुत ही मैं कहती हूँ नेक रुएँ होती हैं जो करती हैं सारा कुछ मैं जानती हूँ मेरी अपनी एक फ्रेंड भी ऐसी लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर टैपटास शुरू हो जाती क्यों मैं भी कमाती हूँ मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ मैं तुम्हारे साथ इक्वल करती हूँ वाई शुड आई तो इस लिहाज़ से फिर आपस में रंजिशें होती हैं और आहिस्ता आहिस्त दूरी होना शुरू हो जाती है फिर उसके बाद अच्छा एक चीज़ और भी है जो काकियाँ घरों में काम करती भी हैं जो नौकरी नहीं करती आजकल का ट्रेंड ये है क्योंकि मर्द भी बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया आगे कहता तुम करती क्या हो घर में यानी कि अगर आप एक नौकर रखें कपड़े धोने के लिए स्त्री के लिए सफ़ाइयों के लिए खाना पकाने के लिए बच्चों की नैनी रखें तो आपको पता चलेगा सारों की तनख्वाहें जमा करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी बीवी तो इतना कुछ कर रही है बट येट देर इज़ नो अप्रिसिएशन ज़्यादातर मर्द चाहते हैं कि हमारी प्रोफेशनल वाइफ हो हमें फाइनेंशली हमें हेल्प आउट करे तो ऐसे मामले में फिर क्या होगा बीवी भी काम करेगी मियाँ भी काम करेगा जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमने रहना नहीं है बच्चों का क्या होगा उनको डे केयर सेंटर में फेंक दो जाके फिर डे केयर सेंटर में आ, आप सोच सकते हैं कैसी तरबियत होगी वहाँ पे आयाज होती हैं वो अपने घरों की मजबूरियों की वजह से आती हैं वो क्या तालीम आपको देंगी आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगी यू कैन वेल इमेजन चाहिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अर्निंग वेमेन जो है फिर ज़्यादातर जो हैं हम कमाते हैं मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि मैं हैरान थी एक दफ़ा मेरे पास एक केस आया कोई तेरह साल की बच्ची थी उसने नचा के रखा हुआ था और बड़े अच्छे ऑफिसर के घर थे अब पता ये चला कि उसने नचा के रखा हुआ था इतने पैसे दे दो वरना बुला आ जाएगी और ये कर देगी और घर में आग लगा दूंगी। एंड शी शी वाज मनीपुलेटिंग हर पेरेंट्स और उसकी मैंने माँ से कहा उसकी माँ वाज टीचर समवेयर वो उसकी सबसे यंगेस्ट बेटी थी मैंने उसे कहा कि इस पर कोई बला नहीं है शी इज जस्ट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है आप घर रहें और आप अपनी इस बच्ची पे उसकी तरबियत करें क्योंकि नेचुरली रातों को फ़ोन पे लड़कों के साथ फिर उन लड़कों के लिए बाप से पैसे निकलवाने के बला आ जाएगी बहुत लंबा चौड़ा केस है तो मैंने उसे कहा कि आप ना इस तरह करके तो कहती है कि क्यों मेरी रिटायरमेंट में दस साल रह गए मैं क्यों अपना करियर तबाह करूं तो मैंने कहा ये जो है ये जो तबाह हो रही है आप मैंने कहा इसको पिछले पाँच सालों से आप इसको डॉक्टरों पे पीरों फ़कीरों पे साइकैट्रिस्ट पे साइकोलॉजिस्ट पे लेके फिर रहे हैं मुझे बताएं ये कैसे ठीक होगी लेकिन बहरहाल उसकी माँ ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता मेरा करियर है सो so, वो बच्ची का क्या हाल हुआ होगा अल्लाह बेहतर जानता है चलिए फिर उसके बाद आ जाता है इस्केप फ्राम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जिम्मेदारियों से हम भागते हैं और अनफॉर्चुनेटली दैट गोज़ फॉर बोथ मैन एंड वूमेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अल्लाह की ना फरमानी कर रहे हो ना अल्लाह से दूरी है ना तो कैसे नहीं आपके घर में आफत और मुसीबत आएगी सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अच्छा जी फिर उसके बाद आ जाता है अल्लाह ने फरमाया है हमारा दिन कहता है बेटियाँ रहमत हैं अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से कि नहीं बेटी जहमत है और इसी तरीके से उसकी आप ब्रिंगिंग करते हैं कि ये जल्दी जल्दी इसकी शादी हो और ये मगरों ले अब उसमें ये होता है कि अगर उम्र ज़रा टाप गई पढ़ाने बैठा लिया करियर में हो गया सत्ताईस साल की होगी अट्ठाईस साल की होगी माओं को आफत मुसीबत पड़ जाती और वो इतना प्रेशर होता है कि रोज़ रिश्ते आ रहे हैं फिर रिश्ते वालियों को कांटेक्ट करते इट इज़ नॉट एन इजी थिंग फॉर द गर्ल मैं आपको बताऊं। रोज़ बन सज के बैठ जाओ अगले रिजेक्ट करके चले जाते हैं किस बेसिस पे कि हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं होता ये अच्छा लड़की डॉक्टर भी है लंबी नहीं है मोटी है पतली बहुत ज़्यादा है फलाना है अच्छा बाप का अपना घर नहीं है सो वो रिजेक्ट करते हैं और चले जाते हैं इट इज़ इट इज़ बहुत ट्रोमेटिक है लड़कियों के लिए लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है हुन एनू मगरों लाओ इसको निकालो घर से किसी तरह अच्छा फिर अगर खुदा ना खास्ता और फिर जबरन कर देंगे जो भी रिश्ता आए बस नि, निकालो इसको फिर जबर के रिश्ते एक पाक फरमाते थे बेटा बाबा जबर के रिश्ते बीस साल बाद भी टूट जाते तो फिर अगर नहीं बनती एक तरबियत भी नहीं की होती एक मुसीबत भी समझी जाती है ओनरशिप नहीं है बेटी की तो अगर वो तलाक लेके वापस आ जाती है उसकी ज़िंदगी इज़ नो no लेस देन जहन्नुम और ये मेजॉरिटी हालाँकि जब ब्याह के जाती हैं तो माँओं का मैंने एक दफ़ा एक ब्यूटी पार्लर में एक माँ को सुना था बेटी दुल्हन बन रही थी कि देख लेना बेटा महीना लगा के देख लो अगर गुजारा होता है तो वेल इनफ नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है यू कैन ऑलवेज़ कम बैक मैं हैरान हो के उसको देख रही थी अरे ये दुल्हन बन रही है माँ क्या मशवरे दे रही है तो जब वो वाकई वापस आती है तो देन इट इज़ हेल्प फॉर हर अनफॉर्चुनेटली